है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हो गई एक नई सुबह और ये सुबह बहुत ही शानदार है और मनमोहक कह सकते हो आप। ये सुबह को बहुत ही बढ़िया उठने के बाद जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैंने सोचा आपके साथ वो नज़ारा शेयर ही कर लूँ। एंड यस, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजॉर्ट था ये स्टे जो हमने कल हमने चेक इन किया था। हाँ, हालांकि मैंने अभी तक आपको रूम टूर नहीं दिया है, पूरा दिन इसमें ही चला गया कि आओ चेक इन एंड एवरीथिंग। उसके बाद इधर उधर थोड़ी एक्टिविटीज़ थी, वो एक्टिविटीज़ करनी थी एंड कुछ हमने बातें करी, कुछ बीच पे हम लोगों ने इन्जॉय किया एंड देन वी हैड अ ग्रेट फूड एंड ये सारी चीज़ों में ही टाइम चला गया। एंड देन बीच पे बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा रश थी, तो इसकी वजह से मैं रूम टूर एंड नीचे का टूर वगैरह नहीं दे पाया। बट डेफिनेटली अभी ऑलमोस्ट सुबह के बजे है 7:30 एंड अभी का जो नज़ारा है वो तो आपको देखना बनता ही है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर ही देते एंड आपको वो नज़ारा दिखाई। ऐसा कुछ बेड था अपना और बेड से सीधा जो अपना व्यू है वो ये है। तो अगर मैं ये बेड पे बैठूं तो मुझे ऐसा व्यू दिखता है, फोन जस्टिस नहीं कर पाएगा। जो लाइव में देखने को जो मज़ा है वो बहुत ही अलग है। और आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टू सीटिंग चेयर्स। ये डेक है, यहाँ पे कैनोपी लगी हुई है जो धूप में हमें कल काम में आई बहुत। ये ऐसा कुछ इतना लंबा बीच है अपना, और ये पूरा बीच कल रात को 6:30 के बाद जो नॉर्मल पब्लिक आती है, नॉर्मल पब्लिक मतलब जो आ रही है टूरिस्ट होते हैं या सिर्फ विजिट के लिए आए, बीच विजिट के लिए आए, जो इधर नहीं स्टे करे, बिकॉज इधर यहाँ पे ज़्यादा रिजॉर्ट्स नहीं है, वो एक छोटा सा रिजॉर्ट है एंड दिस इज़ अ वन रिजॉर्ट। सो वो एक नॉर्मल है, दिस इज़ अ लग्जरी रिजॉर्ट, बिकॉज यहाँ के सारे रूम्स आप देख सकते हो ऑल आर बीच फेसिंग है। ये वाला ही थोड़ा, ये रिजॉर्ट ही थोड़ा ज़्यादा महंगा है और वो वाला थोड़ा नॉर्मल है बट बहुत कम रूम्स है, तो लोग ज़्यादा नहीं है। अभी भी देख रहे होगे तो सुबह के 7:30-8 बजे पूरा बीच खाली है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में बीच पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बोट्स दिख रही छोटी छोटी, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी है। बाकी ये नज़ारा देख के आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। रूम बहुत ही बढ़िया था, मतलब वर्थ इट था, थोड़ा महंगा था बट वर्थ इट था आई वुड से। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू दी डिटेल्स ऑफ दी नेम एंड एवरीथिंग इन दी लास्ट ऑफ दी व्लॉग, तो व्लॉग में एंड तक बने रही है, लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कितने में पड़ा अपने को ये स्टे एंड ऑल। एज यू गाइज नो हाउ वी ऑप्ट ओनली लग्जरी स्टेज एंड दिस वॉज वन ऑफ आर फेवरेट स्टे आई कैन से, एंड दिस वॉज गिफ्टेड टू मी बाय श्रुतिका, सो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा था, यहाँ पे बैठ के बहुत ही टाइम स्पेंड करने को अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कारपेट्स हैं यहाँ पे एंड देन दिस इज़ द बेड यू कैन सी। सो ये छत इसकी कुछ अलग सी थी, एक फ़ैन प्रोवाइड किया, एक कूलर है। और गाइस सुबह सुबह अपन निकल गए हैं कायाकिंग एक्टिविटी करने एंड श्रुतिका आगे बैठी है, मैं पीछे बैठा हूँ, श्रुतिका सेल कर रही है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ इसके लिए। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही प्रिटी सी क्या बोलेंगे इसको नहर, कूट कर लेते जो रुको इसको, नहीं तो बोट ठुक जाएगा। तो हम दोनों का हो गया अभी चाय वाय पी के, अब हम जाएंगे थोड़े फोटोज़ लेने। प्रवीण थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि उसको फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे वो जो कपल आपको दिख रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें से वो जो लड़का जो काम कर रहा है उसको वो करना पड़ेगा। मैंने बोला नो प्रवीण, तो हम दोनों की फ़ोटोज़ लेंगे ट्राईपॉड पे। चले चलो
बस हमने अभी अभी हमारा कायाकिंग हो गया, बस हमने कॉफ़ी एंड चाय पी है और अब हम निकले थोड़ा सा बीच पे, 15 मिनट्स ही मैक्स, क्योंकि अभी हम लोग को करना है चेकआउट। एंड आप देखो तो ये जो ऊपर वाला ये जो है ये हमारा कॉटेज है, मतलब इमेजिन वहाँ पे बैठ के हम लोग को ये व्यू दिखता है, तो इतना ज़्यादा सुंदर है। हाँ, आज सुबह तो सही में इतना बढ़िया लगा ना। बेसिकली ये जो स्टे है ना हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ अमेनिटीज़ वगैरह इतना कुछ नहीं है अगर आप देखो तो, लेकिन ये सबसे लग्जरी कॉटेज है वहाँ पे, देखो वहाँ पे भी कॉटेज है बट वो बहुत सादे लगे मैंने भी जब फोटोज देखे उनके, इतने कुछ ये नहीं थे खास, नहीं थे बहुत नॉर्मल थे। दिस वन, इसके लिए जो पैसे पे करते हो वो सीरियसली पे करते हो इस व्यू के लिए, बहुत अच्छा व्यू है। बट उसमें में भी उन्होंने कॉटेज बहुत अच्छे प्रोवाइड किए, क्योंकि अंदर जाने का कम्प्लीटली शामियाना वाला फील है, अच्छा है, बहुत सारी अम्यूनिटीज नहीं है बट व्यू विल टेक आउट एवरीथिंग, लाइक यू विल फील लाइक इट्स वर्थ एवरी पेनी अगर आप उस उधर से व्यू देखो तो। रेविन रेडी हो रहा है, मस्त ट्राइपॉड वाइपॉड लगा के अभी हम लोग करेंगे कुछ फोटोशूट। ज़्यादा लोग भी नहीं है तो सुबह सुबह आओ तो ज़्यादा लोग नहीं होते। Yes guys, आपको रूम टूर देना बाकी था। सो बेसिकली यहाँ से कुछ ऊपर आने का रास्ता है, ठीक है, ये स्टेप्स है, वो नीचे आपको छोटा सा जो ब्रिज दिख रहा होगा, तो द ब्रिज दैट इज द एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट, एंड वहाँ से यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है, एंड देन देयर इज वन कॉटेज हियर, देन देयर आर डिफरेंट कॉटेजेस ऊपर ही है वो। यहाँ से कुछ इसका एंट्रेंस ऐसे है, सो देयर इज अ लॉक फॉर दिस विंडो एंड इधर से एंट्रेंस है, दिस इज द मेन डोर, सो वंस यू गो इन फ्रॉम हियर, सो ऐसा कुछ आपका बेड है, यू गेट अ किंग साइज बेड, पीछे अच्छा खासा बड़ा मिरर है और लाइक अ गॉगल ग्लास, और उसके पीछे वॉशरूम है, ऊपर कुछ रूफ स्ट्रक्चर ऐसा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर, आप ज़्यादा कुछ अम्यूनिटीज़ या लग्जरी वाइज देखा जाओ तो एसी एंड फैंसी थिंग्स थोड़ा बहुत कम है, मतलब ये अच्छी है, तो इसलिए इतना अम्यूनिटीज एक्सपेक्ट भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ दे हैव टू कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल, इसलिए उसके हिसाब से उन्होंने काफी शामियाना वाला फील दिया, मुझे तो अच्छा है, काफी फील दिया एकदम, यस, लुक एंड फील, कलर, फ्लोरिंग भी, दिस इज अ वेरी गुड फ्लोरिंग, तो वो भी अलग फील दे रहा अच्छे से, कर्टन्स भी अच्छे हैं। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी जो पैसे लगाए हैं वो पैसे सिर्फ इसके है व्यू, सो यहाँ पे बैठ के आप आराम से ये व्यू पूरा एंजॉय कर सकते हो, रात में भी इतना ही मज़ा आता है जितना दिन में मज़ा आता है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड व्यू जो ये कैनोपी के साथ अपने को मिला है। वॉशरूम मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो आई विल शो यू वॉशरूम, वॉशरूम भी अच्छा है, यहाँ पे एक कबर्ड दे दिया इन्होंने विच इज़ ऑल्सो एन एंटिक स्टाइल कबर्ड, यहाँ पे आप आपकी चीज़ें रख सकते हो, देन देर इज़ ये यहाँ पे हैंग करने के लिए। बाथरूम बहुत छोटा और क्यूट सा है, यहाँ पे एक बड़ा मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज हैं, दिस इज योर कमोड एंड दिस इज योर बाथ एरिया, सो बाथ एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। यहाँ से भी आपको यू कैन एन्जॉय द व्यू ऑफ सी, बिकॉज ये गॉगल ग्लास है तो यहाँ से ही आपको दिखता है, बाहर से अंदर नहीं दिखता, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, यहाँ पे आराम से रहते रहते भी यू कैन एन्जॉय द व्यू। सो ये कुछ अच्छा सा प्यारा सा कॉटेज जो हमारा था यहाँ पे, वॉज अ वेरी गुड स्टे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारा लगा, आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, जो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी या फिर और चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, मतलब बेसिकली छोटा रिव्यू मैं थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ के आपको शेयर डेफिनेटली करूँगा टूवर्ड्स द वे टू पुणे, एज वी आर Also the budget, हम लोग उसी टाइम पे बताएंगे, पहले वाली प्रॉपर्टी का भी और इस वाली प्रॉपर्टी का भी कि अराउंड क्या रेंज में है, एंड आपको कुछ क्वेरीज रहेंगे तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी आर रेडी टू आंसर श्योर। और अभी ब्रेकफास्ट नीचे बन गया है तो जाके फटाफट ब्रेकफास्ट करते, चेकआउट का टाइम हो गया तो हमने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई है, सिर्फ अभी हमको ब्रेकफास्ट करके निकलना है, एंड जाते जाते एक दो स्टॉप है तो वो करके अपन निकलेंगे सीधा पुणे में। बेसिकली दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया, दे हैव देयर इज द एंट्रेंस, सो दिस इज द होल प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे यू विल गेट द एक्सक्लूसिविटी की कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता रेस्टोरेंट में भी, सो
So if you are staying here, then only you can have access to this restaurant as well. You can have a good food. They really have amazing food. They offer a package with a buffet and everything, lunch, dinner, breakfast, everything is included, and you can have enjoy your food. और साथ में ये सारी एक्टिविटीज जो सुबह मैंने आपको व्लॉग में दिखाई दी थी, ये भी पैकेज में इंक्लूड होता है. सो यू कैन एन्जॉय दिस एरिया विद दिस व्यू, विद दिस बीच एंड एवरीथिंग. यहाँ पे दे मेक गुड कॉकटेल्स एंड डेफिनेटली यू कैन मीट हियर. योर नेम? This is Purna here. So Purna will be there to assist you, yeah, and help you. We will definitely mention the details in the caption. You can go to and book this amazing stay with Purna, and Purna will help you for further information. Thank yeah. You. So yes, so this was our stay. So this is the upper level. इसके ऊपर भी जाना है अभी. So यहाँ से कुछ ऐसा view है, ऐसा नजारा है जो आप देख सकते हो. एंड हमारा कॉटेज नीचे ही था, बट आप ऊपर का कॉटेज लेते हो तो कुछ ऐसा व्यू आपको मिलता है. हाँ और भाई बहुत थक जाते, बहुत नीचे बहुत चढ़ना पड़ता है. ग्राउंड लेवल से मतलब सी लेवल और ग्राउंड लेवल में बहुत डिफरेंस है, तो इतना कुछ नीचे से ऊपर आना पड़ता है ब्रो. अरे अपन पहुंच गए हैं ग्राउंड लेवल पे. सो इफ यू कम हियर, सो यहाँ से कुछ बाहर का रोड है एंड देन यू हैव अ पार्किंग. दिस इज द गुड व्यू. और ये ऊपर ही आपको, जैसे हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी, एंड ऊपर ही आपको गाड़ी पार्क करके जाना होता है. सो दिस इज देयर पार्किंग ओनली. Thank you, bro. Thank you. So yes, guys, घर पे पहुंच गए थे. बाद में बहुत ही चीज़ें करते करते थक गए थे, फुल ट्रैवलिंग एंड ऑल. एंड हम लोग भूल ही गए थे कि आपको हमने कॉस्टिंग नहीं बताई है. फिर घर आने के बाद मैंने जब व्लॉग एडिट करने बैठा तो मैंने देखा कि यार हमने कॉस्टिंग ही नहीं बताई है, तो कॉस्टिंग के लिए तो आप इतने दिन रुके थे. तो आई वांटेड टू टेल यू कि कॉस्टिंग कितने में हमको ये रिजॉर्ट पड़ा था. ये हमको कुछ पड़ा था ऑल इंक्लूसिव पैकेज ऑफ कुछ 20,000 प्लस टैक्सेस का. 20,000 प्लस टैक्सेस का ये स्टे हमें पड़ा था. 20,000 में क्या क्या इंक्लूड था? तो एक नाइट का स्टे था, डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. उसके बाजू में ही जो आपने व्लॉग में देखा होगा कि कायाकिंग की एक्टिविटी हमने करी थी, वो हार्डली कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, 300-400 रुपए में आपको मिल जाती है वो. बट दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पैकेज, तो वो भी आप जितना टाइम चाहिए उतना कर सकते हो वैसे है. तो ओवरऑल स्टे वॉज वेरी गुड. अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ, अगर मैं फूड की बात करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. आई वुड रिकमेंड कि 5 out of 5 तो मैं रेटिंग देना ही चाहूँगा. बट सिर्फ मुझे एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, या फिर एक ही चीज़ मुझे लगती कि और बेहतर हो सकती थी, दैट इज़ कि जो रूम्स दिए हुए थे वो रूम्स के व्यू बहुत अच्छे थे, बट अंदर की जो फैसिलिटीज थी वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे. जैसे कि मेन चीज़ एसी नहीं है, तो जैसे आप गोवा में जाते हो तो ह्यूमिड तो होता ही है वेदर, तो थोड़ा बहुत तो एसी की नीड होती है. तो गर्मी में तो मे बी ज़्यादा हम लोग जो सीजन में गए थे, दैट इज़ मेजरली थोड़ा विंटर वाला चल रहा था टाइम, तो इतना कुछ हमें फील नहीं हुआ. बट मुझे लगता है जैसे समर में तो डेफिनेटली एसी की ज़रूरत होती लगती होगी. बट बाकी स्टे वॉज वेरी गुड. 80% ऑफ द रूम्स वर बुक बाय द फॉरेनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत लोग मिले, श्रुतिका को भी कुछ लोग जर्मनी से मिले, कुछ यूएस से थे, कुछ यूके से थे. सो बहुत ज़्यादा अच्छा क्राउड रहता है. If you wanna go with your family, it's a good place. If you go as a couple, it's a good place. Yes, बाकी और कुछ अगर आपको डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. रेट्स में भी वेरी होते होंगे, डिपेंड सीजन टू सीजन, डिपेंड डेज टू डेज. वी गॉट द स्टे इन 20,000 प्लस टैक्सेस. आपको क्या दिखा रहा है आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. सो व्लॉग यहाँ तक देखा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में. अच्छा अच्छा कौन सा पार्ट लगे वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, एंड सबसे लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.